Hello friends, welcome to all of you, PVR study. Friends, previous class में आप लोग पढ़े थे future perfect tense. तो आइए पढ़ते हैं future perfect continuous tense. सबसे पहले इसकी देख लेते हैं पहचान. Friends, इसकी पहचान होती है इसमें वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी. सॉरी, परफेक्ट टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी. ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान. और बीच में क्या होता है, समय दिया होता है, बीच में समय दिया होता है. रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, और बीच में क्या होता है, समय दिया होता है. सोमवार से, अगले महीने से, पिछले सप्ताह से, है ना, दीपावली से, जन्म से, मृत्यु से, ये सब क्या होता है, समय दिया होता है. आइए देख लेते हैं निश्चित समय. निश्चित समय क्या होते हैं, इसको आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं. निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय. इसमें कौन कौन समय आएंगे, कल, आज, कल से, आज से, शाम से, सुबह से, सुबह से, दीपावली से, दीपावली से, अर्थात कोई भी त्योहार हो, दीपावली, नागपंचमी या होली, एनी फेस्टिवल, कोई त्योहार हो, है ना, तो किस क्या हो जाता है, समय निश्चित समय हो जाता है. जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई मंथ नेम कोई हो, वो निश्चित समय कहलाता है. या ईयर का नाम दिया हो, 2010, 2012 या 1998 कोई हो, ये क्या होता है, निश्चित समय होता है ना. ओ क्लॉक, थ्री ओ क्लॉक, फोर ओ क्लॉक, फाइव ओ क्लॉक, है ना, ये क्या होता है, निश्चित समय होता है. जन्म से, मृत्यु से, ये सब क्या होता है, निश्चित समय होता है. ये निश्चित समय है. अब देखते हैं ये लास्ट या पास्ट के बाद, लास्ट या पास्ट के बाद यदि वीक, वीक, मंथ, ईयर आए तो क्या होता है, निश्चित समय होता है. लास्ट या पास्ट के बाद वीक, मंथ, वीक, वीक या मंथ या ईयर आए तो भी निश्चित समय कहलाता है. आप लोग इसको लिख सकते हैं, कल से, आज से, शाम से, सुबह से, दीपावली से, जनवरी या फरवरी, कोई मंथ नेम हो, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, कोई भी, 2010, 2012, 1998, 1997, 1996, है ना, कोई मंथ, कोई ईयर नेम हो, थ्री ओ क्लॉक, फोर ओ क्लॉक, है ना, तो ये क्या होता है, निश्चित समय. जन्म से, मृत्यु से, या सेकंड नियम है, लास्ट या पास्ट के बाद वीक या मंथ या ईयर आए तब भी वो निश्चित समय होता है. अब देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग, अर्थात निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, जबकि पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, फार, फार का प्रयोग करते हैं. इसमें कौन कौन समय आते हैं, घंटे से, सेकेंड से, सेकेंड से, मिनट से, घंटे से, सप्ताह से, महीने से,
महीने से, वर्ष से, दशक से, शताब्दी से, शताब्दी से, ये सब क्या है? अनिश्चित समय है। लास्ट या पास्ट के बाद, लास्ट या पास्ट दोनों का अर्थ क्या होता है? पिछला या पिछले। इसके बाद यदि संख्या आए, कोई भी संख्या हो, एनी नंबर, एनी नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, अर्थात 2 3 4 5 6, लास्ट 2 ईयर, लास्ट 4 मंथ, लास्ट 3 इयर्स, तो यहाँ पे क्या होगा? अनिश्चित समय होगा। और अनिश्चित समय के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इसका नियम देख लेते हैं। सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? शैल, हैव, बीन, विल, हैव, बीन, प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होगी? आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कितने शब्दों के? 3, शैल, हैव, बीन, है ना, विल, हैव, बीन, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा? सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, प्लस टाइम दिया होगा। अब देख लेते हैं वाक, एग्जांपल क्या है? मैं सोमवार से अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूंगा। कह रहा है, मैं सोमवार से अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूंगा। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या है। आई, आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे? शैल, हैव, बीन। आई और वी के साथ शैल, हैव, बीन, से सभी कर्ताओं के साथ विल, हैव, बीन। तो यहाँ पे क्या है? मैं, आई का आया है, तो यहाँ शैल का प्रयोग करेंगे। शैल, हैव, बीन, शैल, हैव, बीन। फिर मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है पढ़ना, रीडिंग। क्या पढ़ रहे होंगे? अपनी पुस्तक, माई बुक, माई बुक, सोमवार से, है ना। निश्चित समय है, दिनों के नाम क्या होते हैं? निश्चित समय होते हैं, सोमवार, मंगलवार, है ना, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, कोई भी दिनों का नाम आए तो निश्चित होता है। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मंडे, सिंस मंडे, आई शैल हैव बीन रीडिंग माय बुक सिंस मंडे, सोमवार से। अगला वाक्य देते हैं, वे बच्चे नदी में पिछले तीन घंटे से
तीन घंटे से नहा रहे होंगे वे। दोज, दोज क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन प्लूरल में लिखेंगे चिल्ड्रेन। अब हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे? विल, हैव, बीन, नहाना, बाथिंग, बाथिंग इन द रिवर, इन द रिवर। समय क्या दिया है? तीन घंटे से, है ना, पिछले तीन घंटे से, यही बताया था। लास्ट या पास्ट के बाद संख्या आए तो हमें क्या प्रयोग करना है? फार का प्रयोग करना है, जो कि आया है फार लास्ट, लास्ट थ्री, फार लास्ट थ्री आवर्स। फार लास्ट थ्री आवर्स, पिछले तीन घंटे से। दीज चिल्ड्रेन विल हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर लास्ट थ्री आवर्स, पिछले तीन घंटे से। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसमें नियम क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, शैल, नॉट, हैव, बीन, विल, नॉट, हैव, बीन प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होगी? आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्लस सिंस या फॉर, सिंस, फॉर प्लस टाइम। तो एग्जांपल देख लेते हैं। तुम कक्षा में, तुम कक्षा में पिछले हफ्ते से अपना पाठ नहीं याद कर, तुम कक्षा में पिछले हफ्ते से अपना पाठ नहीं याद कर रहे होगे, याद कर रहे होगे। तो आइए देखते हैं। यू, यू विल नॉट, विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव, हैव बीन लर्निंग, लर्निंग हिज, यहां पे यू है तो यहां पे योर का प्रयोग करेंगे, योर लेसन, योर लेसन इन दी क्लास, इन दी क्लास। टाइम क्या दिया, दिया है पिछले हफ्ते से। लास्ट के बाद यदि वीक मंथ ईयर आता है तो समय कैसा होता है? अनिश्चित होता है, अर्थात सिंस, सिंस के बाद क्या करेंगे? लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से, सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से। यू विल नॉट हैव लर्निंग योर लेसन इन द क्लास सिंस लास्ट वीक। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और यदि आपको ये क्लास पसंद हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए, ताकि इससे आपके मित्र अधिक से अधिक बेनिफिट ले सके। और चैनल को जो फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए।